जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी जो है वो लॉक कंडीशन में खड़ी है अभी, एंड जैसे ही मैं इसको अनलॉक करता हूँ, आप उधर देखना शीशे की तरफ, ये देखिए साइड मेरा जो है वो ओपन हो चुका है। लाइक मैं आपको एक बार इस एंगल से दिखा देता हूँ, कुछ नहीं कर रहा मैं, सिर्फ ये लॉक किया एंड ये बंद हो गया। तो काफ़ी एक अच्छी बेहतरीन चीज़ लगती है ये। तो चलिए इसकी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ ये कैसे हो। सो गाइज़, आज का जो वीडियो है वो है रिलेटेड टू द साइड मिरर्स। मैंने अर्टिका में जो जो काम करवाया, जो जो मॉडिफिकेशन करवाई थी, उसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने अलॉय व्हील्स के बारे में, अपने जो भी मैंने लाइटिंग सिस्टम करवाया है या साइड मिरर में मॉडिफिकेशन या जो भी कुछ करवाया मैंने अर्टिगा में, वो मैंने उसमें बता रखा है। तो आप प्लीज़ उसमें चेक करिए। तो सबसे ज़्यादा कमेंट जो मुझे, सबसे ज़्यादा क्वेरी जो मुझे आई वो है साइड मिरर्स की। लाइक मैंने जो साइड मिरर्स है वो ऑटोमेटिक करवा रखे हैं, रिमोट से ही वो खुलते हैं, रिमोट से बंद होते हैं। तो उसके बारे में आपको आज मैं डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए इंस्टॉलेशन की वीडियो तो नहीं है ये, बट एक डिटेल बता दूंगा। एंड जिनसे मैंने करवाया था उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ले सकते हैं, क्योंकि मैं इस पे नहीं डालूंगा डायरेक्ट, क्योंकि ये ना हो उनकी विदाउट परमिशन उनसे उनका मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता। हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे करवाने के लिए इस वीडियो को देखने के बाद, देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें कि आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, मैं आपको डायरेक्टली उनका कॉन्टैक्ट नंबर। सो गाइज, अभी है हम गाड़ी के अंदर, एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरी अर्टिगा VXI मॉडल है। एंड इसमें क्या है कि ये चीज़ मुझे जो ऑटोमेटिक मिरर्स है ये कंपनी की तरफ से आए थे। मतलब ये बटन जो है ये होता है इसको मैनुअल ऑन ऑफ करने का। लाइक अगर मैं बटन प्रेस करता हूँ अंदर से तो ये बंद हो रहा है, और दबा रहा हूँ तो ये अनलॉक हो रहा है। तो इसके करते क्या हुआ कि जो मेरा खर्चा था वो अराउंड 2000 पे आया। इसमें सिंपली एक चिप लगी, सिर्फ 10 मिनट का काम था। ये जो ड्रॉ ट्रेम है ये खुला, यहाँ पे मेन यूनिट जो है वो इसकी यहीं पर है, यहाँ पे एक चिप लगी, लाइक समवेयर हेयर, यहाँ एक चिप लगी एंड ये रिमोट से काम करना शुरू हो गया। रिमोट से मतलब ये लॉक अनलॉक पे काम करना शुरू हो जाता है। जैसे आप गाड़ी लॉक करेंगे अनलॉक करेंगे, रिमोट से लेना देना नहीं है, लॉक अनलॉक से ये काम करना शुरू कर देते हैं। बट इन केस अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, ऑटोमेटिक मिरर्स नहीं है, लाइक आपकी कोई सी भी गाड़ी है, देसी गाड़ी है, कोई सी भी गाड़ी है, रिमोट कंट्रोल वाली कार है, देन आप उसमें क्या करेंगे, आपके एक तो मिरर्स चेंज होंगे, प्लस यहाँ पे आपके एक बटन और ये सब कुछ लग जाए। मैंने अपनी गाड़ी में करवाने के बाद दो और गाड़ी में करवाया था, ये दो क्या ज़्यादा गाड़ियों में हुआ काम जो मेरी नॉलेज में वो दो गाड़ी हैं। लाइक एक डस्टर में हुआ था, डस्टर का लोअर मॉडल था, ना उसमें ऑटोमेटिक मिरर्स थे ना बटन वगैरह था, तो उसका जो खर्चा था वो लगभग 5000 रुपये आया था। 5000 क्यों आया, उसके एक तो इंडिकेटर्स के साथ साइड मिरर्स है, इंडिकेटर के साथ जो इंडिकेटर होता है ऊपर, प्लस उसमें आपका चिप लगी जो 2000 रुपये तो मेरा आया था, मतलब 3000 रुपये उसका एक्स्ट्रा आया। तो इन दिस केस कोई ज़्यादा नहीं है, एंड आपके नए साइड मिरर से लग गए, टॉप मॉडल के अंदर बटन लग गया, आप अंदर से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं और बाहर लॉकिंग सिस्टम से भी कर सकते हैं, तो एक अच्छा फंक्शन हो गया। सेकेंड गाड़ी में हुआ क्रेटा में एंड थर्ड ब्रियो में, तो लगभग सबका खर्चा जो था वो 4500 से 5500 के बीच में था, बाकी आप रेफरेंस दे के जो भी है कम करवा सकते हैं। एंड अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के बारे में तो आप मुझे बता सकते हैं। आप इसमें मैनुअल भी कर सकते हैं, लाइक मैंने अगर अंदर से इसको बंद कर दिया तो ये बंद ही रहेगा। अब मैं इसको लॉक एंड लॉक से ऑपरेट करूँगा तो ये नहीं कि खुल जाएगा, ये इस केस में है। लाइक आपकी गाड़ी जो है वो दीवार से बहुत पास में खड़ी है, ऐसा ना हो आप अनलॉक करें वो शीशा टच हो आपके दीवार पे, शीशा ख़राब हो, तो उस केस में आप इसको बचा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम।